आगामी नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक संपन्न। अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के लिए दावेदारों की चयन प्रक्रिया को लेकर किया मंथन। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। सागर जिले के देवरी नगर में आगामी नगरीय निकाय परिषद के चुनाव को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए देवरी नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर के मानस भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव की उपस्थिति में आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त देवरी नगर पालिका परिषद के प्रभारियों में मुमताज भाई सह प्रभारी श्रीमती चंदा सर्वटे सहित नगर के ब्लॉक कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण शामिल हुए, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पर पूरी बैठक में चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने कहा कि आगामी चुनाव के संबंधित दावेदारों के नामों पर राय शुमारी के उद्देश्य को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के साथ कांग्रेस को मजबूत करने एकजुटता के साथ हम सबको मिलकर कार्य करना है एवं जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता से जुड़े नगर के विकास कार्यों की योजना लेकर हम सभी को पार्टी की जीत आगामी चुनाव में सुनिश्चित करनी है। नगर का विकास करने के लिए हम सबको मिलकर नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है, जिसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। आपसी में मतभेद मनमुटाव छोड़कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने चयनित प्रत्याशियों को कांग्रेस के नाम पर जिताना है। सबको संकल्प लेना है कि हम सब कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए एक होकर कार्य करेंगे। वहीं बैठक में उपस्थित चुनाव प्रभारियों ने कहा कि दावेदार तो बहुत है, लेकिन चुनाव एक प्रत्याशी लड़ेगा, इसलिए सभी अन्य दावेदार कांग्रेस परिवार के सक्रिय सदस्य बनकर कार्य करते हुए उस चयनित प्रत्याशी को जिताने में सहयोग करेंगे। यदि आप ईमानदारी से जिसको टिकट मिलता है उसको अगर ये साथ रहते हैं, हमारा निवेदन वही है कि जो कमलनाथ जी ने इंदौर में किया वो हम चारों लोग यहाँ बैठे हैं, और इस बात को कमलनाथ जी ने कितना अच्छा अवसर दिया सबको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, कि जो चयन समिति है उसमें अकेले विधायक जी को नहीं रखा, उसमें अकेले जिला अध्यक्ष नहीं रखा, उसमें अकेले प्रभारियों को नहीं रखा, उसमें युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है, मोर्चा संगठनों के चारों युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, ब्लॉक कांग्रेस के जितने अध्यक्ष होते हैं, नगर का भी और क्षेत्र का भी, उन्होंने पूरी शानदार कमेटी बनाई है। और उस कमेटी का कोई अर्थ नहीं है कि आप टिकट नहीं है, यहाँ भाषण दिए, टिकट की घोषणा हुई और अपने अपने घरों में भी आप बैठ गए, तो आपकी आज की घोषणा का, आपकी आज जो उत्साही बातचीत का उसका कोई अच्छा नहीं करने की उमंग थी कि नगर के विकास के लिए सब कुछ निछावर करके नगर में सरकार के विकास के लिए, चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे बड़ा ऑडिटोरियम बनाने की बात हो, देवरी क्षेत्र के बनाने की बात हो, चाहे नगर के बाईपास है जिसकी पुरानी मांग करती रही है, सेवरा खेड़ी से सेतपुर रोड वाले, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए हमने शुरुआत करी थी। और दुर्भाग्य की बात है किन कारणों से, किस वजह से सरकार चलेगी, इसके बारे में विस्तार से नाम जाते हुए कहीं ना कहीं हम सबके सपने अधूर रह गए हैं। यदि हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और यदि नगर के विकास के लिए हम कितनी बनते हैं और हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, क्योंकि नगर तो हमारा है, हमें जीना भी यही, मरना भी यही, अंतिम सांसों तक हमें रहना नगर में है, और नगर के प्रति कहने के लिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हम पार्टी दल से हटकर नगर के विकास के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि बना के भेजे जो 15 वर्ष के और 16 साल के काले को खत्म कर सके और एक स्वर्ण दौरे का इतिहास बने, इस महासिटी नगर बने। मून स्टार न्यूज 24 के लिए देवरी से मुबीन खान की रिपोर्ट।